Hello, good evening, students. So, how are you all? I hope that everyone is fine. Yes, class, you have to take care of yourself because अगर health is not okay, अगर health अच्छी नहीं है, then ultimately आपकी studies affect हो जाएंगी, right? So, yes, we will be taking care of our health and then simultaneously we will be studying. Okay, so with this good note, class, I'll just welcome you all to an academy platform and जो भी बच्चे मेरी क्लासेस रेगुलरली देखते हैं दे नो हम ऑलरेडी पास्ट में क्या पढ़ चुके हैं एंड इवन टुडे हम क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। लेकिन जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम वीडियोस देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम इधर न्यू लर्नर्स हैं, सो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। हमारी क्लास का एक फंडा होता है, राइट, ये टेंशन नहीं लेना एंड रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। ये दो फंडे हैं। सो बेसिकली हम कैसे, हमने बहुत सारी क्लासेस ना, हमने जो पास्ट में ली है, पहले जितनी भी क्लासेस ली हैं हमने बहुत इंटरेस्टिंग वे से की है। अब ये क्या इंटरेस्टिंग, हमने एक्सपेरिमेंट्स करे, हमने क्विजेस करे, राइट, हमने कितना डिस्कशन करके वी कंप्लीटेड दैट चैप्टर, बहुत एक्सपेरिमेंट्स करे हैं। तो क्लास इवन अभी हम आगे भी जितने भी, वेदर इट्स बायो, वेदर इट्स फिजिक्स और केमिस्ट्री, हम सारे चैप्टर्स हम बहुत एक्सपेरिमेंट से करेंगे। आपको बिल्कुल बेस स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, फोकस ऑन दी बेस थिंग, ठीक है। एट्थ में जो पढ़ लिया डन, लेकिन नाउ आप नाइन्थ में हो, हम क्या बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे। साइंस का आपको यहीं से ही एक एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है क्लास। सो विद दिस गुड नॉट दैट वी विल फोकस ऑन द मीनिंगफुल लर्निंग एंड एक्सपेरिमेंट्स एंड हम लर्निंग को बोरिंग नहीं, इंटरेस्टिंग बनाएंगे। सो क्लास विद दिस गुड नॉट लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। सो क्लास टुडे वी विल बी फोकसिंग ऑन दिस चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या मैटर हमारे आसपास सारा प्योर है, ये आपके चैप्टर का नाम है, दैट इज चैप्टर नंबर टू। सो चैप्टर नंबर टू में हम ऑलरेडी, दिस इज नॉट अ फर्स्ट क्लास, हम इससे पहले भी बहुत सारी क्लासेस ले चुके हैं, ठीक है क्लास। तो आप मेरी अगेन मेरी प्लेलिस्ट ओपन करो क्लास अपार्ट चैनल में ही, एंड उसमें ही हमने चैप्टर वन एंड चैप्टर टू के बहुत सारे पार्ट्स कवर करे हैं। हमने वन शॉट वीडियो करी है, हमने बहुत डिटेल में भी बात करी है, so you can see over there, okay। and class so after covering it, and it's not like कि आज आप आए हो तो आप पहले वाली वीडियो नहीं देखी आपको समझ नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप आए हो सो डेफिनेटली हम कुछ सीख के जाएंगे, राइट। आपके लाइफ का एक फिलोसफी होना चाहिए दैट यू शुड बी बेटर देन यस्टरडे, आप कल से बेहतर होने चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली कैसे बेहतर, आज हम ये जो सेशन कर रहे हैं, यू विल बी अल्टीमेटली लर्निंग समथिंग, राइट, एक चीज समझ आए, लेकिन हम इसको इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि एक चीज नहीं, हमें सब चीज समझ आएंगे जो आपको कल नहीं आती थी, टूडे यू लर्न इट, राइट। सो यू आर बेटर देन यस्टरडे, यू शुड नो दिस फिलोसफी एंड इसको यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट, ओके क्लास। एंड वी विल लर्न इन अ वेरी फन वे, हम बातें बातें करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेक्चर तो हर कोई देता है, हर कोई देता है आगे टीचर्स, एंड देन चलो बच्चों आज खोलो नोटबुक्स एंड चलो आज हम पढ़ने लगते हैं ये चैप्टर, करो ओपन। सो क्लास हम वी विल बी लर्निंग इन वेरी फन वे, हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, ठीक है। व्हाट आई मीन बाय हम इज दैट यू विल आल्सो डू एक्सपेरिमेंट्स विद मी, मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको कराऊंगी, आप भी अपने मटीरियल्स के साथ जैसे जैसे, ऐसा कोई हाइपर मटीरियल्स नहीं है, बहुत ईजी मटीरियल, सो वी विल बी यूजिंग दैट एंड देन हम अपने बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से वी विल स्टडी इट। सो क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट क्विकली, ओके क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो क्लास बेसिकली जो बच्चे नए आए हैं, सो क्लास आई एम रश्मि यादव एंड आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम लेडी श्री राम कॉलेज फ्रॉम वुमेन एंड करंटली आई एम अ TGT टीचर एंड इन अन अकेडमी आई एम फ्रॉम K-12 कैटेगरी एंड क्लास आई टॉट मेनी स्टूडेंट्स ऑन बोथ द प्लेटफॉर्म ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, राइट नाउ ऑनलाइन इज गोइंग ऑन, सो करंटली आई एम टीचिंग मेनी स्टूडेंट्स थ्रू ऑनलाइन मोड एंड क्लास येस आई आई नाउ आई एम हेयर विद यू, राइट, फॉर यू आई एम हेयर एंड आई विल मेक, ओके वी विल टूगेदर वी विल मेकिंग ईच अदर मास्टर्स ऑफ साइंस, हम एक दूसरे को क्या बहुत अच्छा साइंस में यहाँ से यहाँ बनाएंगे, ठीक है। ये हमारी क्लास का मोटिव होना चाहिए कि कल से बेहतर और हम यहाँ से यहाँ हमें आना है, ओके क्लास। बिफोर स्टार्टिंग डूइंग लेट मी जस्ट टॉक अबाउट सम अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। सो बेसिकली क्लास आप स्कूल में यू हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, राइट, सब बच्चे ट्यूशन ले रहे हैं, जो नहीं ले रहा वो घर पे पढ़ाई कर रहा है, लेकिन यू हैव टू बी समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स।
So how can you be different? Can you can understand this word ace? What do you mean by this? Number one, ace your school exam with an academy. Yes, class, you can excel by just an academy. An academy के पास इतने अच्छे educators हैं. If you will take subscription, अगर आप subscription लेते हो, कहाँ से लोगे subscription? So basically एक app आता है, Unacademy Learners app. ये प्ले स्टोर में बहुत इजीली अवेलेबल होगा, ठीक है? आपको जितने आपको पता होगा, अन अकेडमी लर्नर्स ऐप इट्स वेरी फेमस ऐप. सो आप प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हो. अब प्ले स्टोर में ये नहीं चले जाना कि प्ले स्टोर ओपन कर लिया तो अब तो जाके लर्नर ऐप डाउनलोड करना था, लेकिन गेम डाउनलोड करके बैठ गए, ठीक है? सो क्लास, यस, आप प्ले स्टोर पे अन अकेडमी लर्नर्स ऐप डाउनलोड करो एंड देन उसके बाद यू विल गेट अ सब्सक्रिप्शन लिस्ट. सब्सक्रिप्शन लिस्ट में आप, यस, उसके अंदर अभी हम आगे देखेंगे. आपके हल्के से हेल्प के लिए आई कैन शो यू दी प्राइस. आप अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. सो दिस ऑफर इज गोइंग ऑन क्लास, दिस इज फॉर योर बेटरमेंट. आप ये ऑफर यूज करो, RAY10. ओके, अगर आप ये ऑफर यूज करते हो सो अल्टीमेटली आपको फ्लैट 10% ऑफ मिलेगा. सो यस क्लास, अगर आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, आपका फोकस एरिया, आपका जो मोटिव है क्लासेस लगाने का, वो थोड़ा सा और इंक्रीज हो रहा है, सो व्हाई नॉट टू अवेल इट, राइट? सो यस, वी कैन टेक, वी कैन डाउनलोड द ऐप एंड देन वी कैन टेक सब्सक्रिप्शन. सो दिस इज द सब्सक्रिप्शन लिस्ट. द मोमेंट यू विल डाउनलोड द ऐप, यू कैन सी दिस क्लास 9, 10, 11 एंड 12 सब्सक्रिप्शन. ठीक है, नाउ यू आर इन द हायर क्लासेस, राइट? हम 8, 7, 8, 9, हम 7th में, 8th में, 6th में, वी स्टडीड, हमने ट्यूशन लिया, खुद पढ़ लिया. लेकिन नाउ जब आपका साइंस का बेस बनता है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली साइंस, और भी सब्जेक्ट का जब बेस बनता है, इट शुड, यू ऑल शुड बी रियली फोकस्ड. सो अगर हम सब्सक्रिप्शन पिच के बारे में बात करें तो सी ओवर हियर, फॉर 48 मंथ इट विल बी कॉस्टिंग यू अराउंड 833 rupees. इससे ज्यादा को तो हम पिज्जा खा जाते हैं, ठीक है? पर मंथ, यू विल बी जस्ट कॉस्टिंग 833. क्लास, इतना भी पे नहीं करना होगा आपको, 833. अगर आप ये कोड यूज करते हो RAY10, देन सी 750. जस्ट 750 आपको एक मंथ आपको पे करना है. एंड यस, 48 मंथ के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. एजुकेटर्स, अनअकैडमी एजुकेटर्स आर देयर फॉर यू टू गाइड यू, टू हेल्प यू आउट ऑन ईच एंड एवरी स्टेप्स, ठीक है? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, एन प्लस सब्सक्रिप्शन है. सो बेसिकली देयर आर सम फीचर्स, आप बहुत ही आप अवेल करो उन्हें, ठीक है? यूट्यूब में यही फायदा है. आप बोलोगे मैम यूट्यूब पे तो क्लासेस हम ले रहे हैं, तो क्लास यूट्यूब पे आप आ रहे हो बट आपके डाउट सॉल्व नहीं हो रहे, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. आ रहे हो, डाउट सॉल्व कैसे होंगे? गो एंड टेक सब्सक्रिप्शन एंड आपको ये सारी सब्सक्रिप्शन पिच दिख रही है, 48 मंथ, 36 मंथ, 24 मंथ, 18, 15. सो आप अपनी कंफर्टेबिलिटी पे आप कोई भी अपना ले सकते हो. आई प्रेफर दैट, अगर मुझे किसी को रिकमेंड करना होता सो मैं 48 मंथ का रिकमेंड करती. क्योंकि क्यों? बिकॉज यहाँ देखो 750 rupees आप पे कर रहे हो एक मंथ में. लेकिन अगर आप 3 मंथ का ही लो तो आप इतना ज्यादा पे कर रहे हो, 2250 पर मंथ. सो अल्टीमेटली 48 मंथ विल बी मोर बेनिफिशियल. 67% ऑफ चल रहा है. आप अपना ये कोड यूज करो RAY10 एंड अपना ये जितने भी फीचर्स हैं, जितने भी आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं सब्सक्रिप्शन से, सो अवेल इट, ठीक है क्लास? सो आफ्टर दिस सेशन आप सब जाना फटाफट से डाउनलोड करो ऐप, टेक अ सब्सक्रिप्शन एंड नाउ यू आर फुली रेडी to be the winner of the competition, right? Okay, class. So, hum already concentration of or hum we already discussed about all this in the previous class, right? आप मेरे playlist में जाकर check कर सकते हो. Chapter 2 में ही हमने हम एक 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 process को बहुत deeply and experiment way से कर रहे हैं. तो concentration यहाँ जो लिखा है concentration of or, क्या मतलब है इस कंसेंट्रेशन ऑफ ओर का? कैन यू सी दीज टू वर्ड्स जो रेड कलर में है, गैंग एंड ओर. हल्का सा हम रिकैप करते हैं, बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर एंड न्यू टॉपिक विल रिकैप अ लिटिल बिट. तो गैंग क्या होता है? इम्प्योरिटीज. इम्प्योरिटीज, दिस एग्जाम्पल आई यूज टू गिव इन ऑल द क्लासेस दैट वी हैव अ बीकर. एक बीकर है हमारे पास,
इसमें हमने क्या ऐड किया, वाटर। ठीक है, वाटर को हम केमिकली कैसे लिखेंगे, H2O। ठीक है, नाउ दिस इज द ओर, राइट। यू हैव द पूरा फुल यू नो कंटेंट यू दैट दिस इज द वाटर, दिस इन अ बीकर देयर इज अ वाटर, फ्रेश वाटर, प्योर वाटर, एंड देन यू ऐड, आई सेड दैट ऐड गंक इन दिस वाटर। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, बेसिकली इम्प्योरिटीज, आई कैन आई से मड। सो मड ओवर हियर इज द इम्प्योरिटी, इधर नॉट ओनली मड, वी कैन इवन से ऑयल, वी कैन इवन से सॉल्ट। सो बेसिकली वॉट एवर, चौक, चौक पाउडर, सो यू नो अगर हम पाउडर, यस चौक पाउडर, अगर हम कोई मर्जी चीज ऐड कर रहे हैं वाटर के अंदर, बेसिकली वो पानी को पहले प्योर वाटर था, अब ऑफकोर्स कुछ भी ऐड किया, वेदर इट्स अ मिसेबल लिक्विड कि वो मिक्स हो पा रहा है, सॉल्ट तो मिक्स हो जाता है, बट स्टिल दिस इज अनदर यू नो इम्प्योरिटीज दैट वी आर एडिंग इन टू द वॉटर। सो अगेन जो भी चीज ऐड करें दैट इज अ गैंग एंड और, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट इज और। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द गैंग एंड और इज कंसेंट्रेशन ऑफ और। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मानो ये जो है ये गैंग है, ये जो है मतलब बेसिकली इम्प्योरिटीज है, और ये और है रिमेनिंग पार्ट, दीज टू आर अटैच टू ईच अदर, ठीक है, ऐसे अटैच है या मिक्स अप है। नाउ आई विल बी सेपरेटिंग इट, तो प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द गैंग फ्रॉम और इज नोन एज कंसेंट्रेशन ऑफ और, ठीक है। तो यस क्लास, इसमें हमने बहुत सारे टाइप्स, हम नो टाइप्स, बहुत सारे प्रोसेसेस पढ़े थे। सी ओवर हियर, filtration we already did it, magnetic separation we done it, and we also did evaporation in the last class. So isko in very detail aap dekh sakte ho meri class mein, humne bahut detail mein iske bare mein discuss kara hai. Aaj hum ek aur type ke ek aur process ke bare mein padhenge. I won't disclose that process right now, theek hai. हम देखेंगे जैसे अभी हमारे पास और कितने टाइप्स बच गए, सब्लिमेशन, सेपरेटिंग फनल, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रोमैटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन। नाम थोड़े से ना वर्डिंग थोड़े से अजीब है ना। इवेपोरेशन तो जैसे आप बहुत बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, मैग्नेटिक सेपरेशन, फिल्ट्रेशन, लेकिन सब्लिमेशन का आप हल्का सा गेस नहीं कर सकते हो, थोड़ा सा हल्का सा अलग है। डिस्टिलेशन का क्या मतलब है, क्रोमैटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो बट जितना डिफिकल्ट इनका मतलब वर्ड दिख रहा है ना, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, एंड ये इजी बहुत अच्छा आपको समझ आ जाएगा, हम इसको एक्सपेरिमेंट से देखेंगे। सो आज विदाउट वेस्टिंग एनी अदर टाइम एंड वी विल बी स्टार्टिंग विद आवर नेक्स्ट प्रोसेस, सो लेट्स बिगिन। ओके क्लास, सो अभी तक हमने इतने सारे प्रोसेस के बारे में पढ़ लिया, अभी मैं आपको एक और टास्क दूंगी, बट बिफोर दैट इफ आई आस्क, हल्का सा रिकैप करते हैं। इफ आई आस्क यू हैव अ सॉइल, सॉइल है आपके पास एक कप में या फिर ग्लास में, इधर यू नो एनी बाउल आपके पास सॉइल है, और एक में आपके पास वाटर है। आई सेड यू टू मिक्स इट अप, मिक्स कर दो उसको, अच्छे से मिला लो, क्या होगा बताओ, आपका मिक्स तो हो जाएगा, होगा दोनों, आप सॉइल और वाटर को, नहीं होगा। सॉइल को यू कैन इजिली टेल ये रहा सॉइल एंड ये रही वाटर, थोड़ा सा टाइम दो, सॉइल विल बी सेटल डाउन एंड वाटर आप देख सकते हो। हाउ यू विल सेपरेट इट, लिखो फटाफट एवरी वन, राइट इन द कमेंट बॉक्स, थिंक अबाउट दैट प्रोसेस दैट वी डिड, वो क्या प्रोसेस था यू नो कंसेंट्रेशन ऑफ ओर के अंदर, क्या प्रोसेस था जिससे आप एक सॉइल को और एक वाटर को सेपरेट कर सकते हो। और नॉट ओनली अबाउट सॉइल, इफ आई गिव यू ऑप्शन ऑफ चौक पाउडर, चौक होता है जो, उसका अगर हम पाउडर अगर हम वाटर में मिक्स कर दे, इसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं, तो द आंसर इज फिल्ट्रेशन प्रोसेस। आप फिल्टर पेपर लोगे, आपने वाटर ऐड किया जिसके अंदर सॉयल इधर चौक पाउडर मिक्स्ड है, एंड यू नो प्योर वाटर बिल्कुल साफ पानी फिल्टर पेपर से बीकर में आ जाएगा, और जो फिल्टर पेपर है उसके अंदर क्या आ जाएगा, सॉयल। इफ यू नो इफ यू हैव अ लिक्विड ऑफ सॉयल एंड अ वाटर, मडी वाटर है, देन सॉयल विल बी देयर इन द फिल्टर पेपर। अगर चौक पाउडर है तो चौक पाउडर फिल्टर पेपर में एक्युमुलेट हो जाएगा, ठीक है। नाउ आई एम गिविंग यू द अनदर थिंग दैट इज नॉट चौक, नाउ दिस इज द सॉल्ट, सॉल्ट एंड वॉटर, सॉल्ट एंड वॉटर, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। यू ऑल
said, ma'am, salt and water, these will dissolve. ये dissolve हो जाएंगे. The moment we will mix it up, आप नींबू पानी बनाओ. नींबू पानी बनाओगे आपको दिख जाएगा कि salt dissolve होगा कि नहीं होगा. Salt बहुत आराम से dissolve हो जाएगा. Now I am giving you task, हल्का सा level बढ़ा देते हैं, difficulty level. इसको करो separate. Dissolve हो गया, filtration process से तो नहीं कर सकते. हमने last class में discuss करा था बहुत detail में इस process को. तो द प्रोसेस नेम इज इवेपोरेशन. ठीक है, इवेपोरेशन. आपने क्या किया, दैट पूरा लिक्विड जिसके अंदर आपने सॉल्ट मिक्स कर रखा है, वाटर लिया, उसमें सॉल्ट ऐड किया, मिक्स कर दो, डिसॉल्व हो गया सॉल्ट. यू कैन सी कि ये रहा सॉल्ट, ये रहा वाटर. एंड देन यू हैव टू हीट इट अप, थोड़ा सा उसको गर्म करो. क्या होगा, वाटर विल इवेपोरेट, सॉल्ट विल बी लेफ्ट आउट, है ना. सो इससे आपको सॉल्ट और लिक्विड, वाटर दैट इज लिक्विड, वो आपका हो गया सेपरेट. Now I am giving you another task. Here is water and oil. ठीक है, water and oil. So in earlier we discuss about it कि जितने भी salt हो गया, either chalk powder हो गया या फिर soil हो गया, ये क्या है, ये solid है, इनके particles हैं, ये क्या है, solid है, कुछ defined shape है, right? So इनका ये सारे solid है. आप solid को liquid, that is water, इनसे क्या कर रहे हो, separate. So over here, इसमें बताओ, now we have water and oil. So आप यहाँ पर देख सकते हो, now we have a water and oil. Water and oil. So what we will do, हम एक बीकर लेंगे, इधर हम एक ग्लास लेंगे. उसके अंदर वाटर ऐड किया एंड हमारे पास ऑयल, हमने पास था ऑयल भी ऐड किया. कैन यू सी, ये मिक्स नहीं हो रहा है, ये आपका जो लिक्विड है ये मिक्स नहीं हो रहा है. ऑयल ऊपर रह गया, वाटर नीचे है, राइट right? ऑयल ऊपर है, ऐसा नहीं है, बिकॉज ये दोनों लिक्विड इमिसिबल लिक्विड्स है, राइट right? तभी हमारा ऑयल एंड वाटर दोनों अलग अलग है. हम इन दोनों लिक्विड को कैसे सेपरेट करेंगे, हाउ वी विल सेपरेट इट. नाउ अगर हम स्पून से इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, देखो कितने अच्छे से मिक्स किया, तब भी ये ऑयल सेपरेट नहीं होगा. सी ओवर हियर, वाटर वाटर ही रह रहा है एंड ऑयल ऊपर ऑयल आ जाएगा. Again, why this is happening? Think about it. Why this is happening? Okay, अगर हो भी रहा है, so जो oil है, जो ऊपर चला गया, how you will separate that oil and water? How you will separate? Okay, so class we discuss about this that we have oil. हमारे पास यहाँ क्या है? Oil है and rest full glass के अंदर क्या है? वाटर है. हमने ये प्रीवियस स्लाइड में भी देखा, हम ये देख पा रहे हैं कि हमने जब ये ऑयल ऐड कर रहे हैं वाटर के अंदर, ये क्या हो, मिक्स नहीं हो पा रहे, राइट right? आपको ऑयल ऊपर ही दिख रहा है, वाटर नीचे है. अगर हमारे पास, अगर मैं आपको ये सिचुएशन दे देती, आपके पास बीकर है और आपके पास क्या है, सॉयल है. आपने ऐड किया सॉयल वाटर के अंदर, क्या होगा, सॉयल ऐसे ही ऑयल की तरह ऊपर होगी, ऐसे ऊपर एक्युमुलेट होगी या फिर नीचे जाएगी या फिर मिक्स हो जाएगी. आप ऐसा नहीं है, द मोमेंट यू ऐड द सॉयल यू विल ट्राई टू मिक्स, बट सॉयल मिक्स नहीं होती है, राइट right? सॉयल मिक्स नहीं होगी. सो कीप दैट मिक्सचर असाइड. एक घंटे तक, एक घंटा भी बहुत ज्यादा है, आप अगर 15-20 मिनट्स भी वेट करोगे, सो वॉट यू विल बी एबल टू सी दैट पूरी जो सॉयल है वो नीचे एक्युमुलेट हो जाती है. नीचे आपको सॉयल दिखेगा एंड ऊपर रेस्टफुल ग्लास के अंदर यू कैन सी वाटर. बट नाउ इन दिस फिगर, हियर इज ऑयल एंड रेस्ट यू हैव वाटर. ऐसा क्यों, क्या ये दोनों लिक्विड है इसके वजह से? एंड अदर देन दिस ग्लास, कैन यू सी, आई एम सेइंग दैट दिस इज इमिसिबल लिक्विड. व्हाट आई मीन बाय दिस, बेसिकली ये जो ऑयल है एंड वाटर, ये एक दूसरे से मिक्स नहीं हो रहे हैं, है ना. मिक्स हो जाते तो बहुत ही अच्छी बात थी, बट ये मिक्स नहीं हो रहे हैं. दैट्स व्हाई ऑयल ऊपर है एंड वाटर नीचे है. अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ऑयल ऊपर ही क्यों है, सॉइल की तरह नीचे क्यों नहीं गया. वी विल सी दैट क्यों ऊपर है. हैव अ लुक. ये जो है हमारे पास, एक कप लेना क्लास, उसके अंदर जस्ट पुट 1-2 ड्रॉप, ठीक है, ऑफ यू नो 1-2 ड्रॉप आप ऑयल का ऐड कर सकते हो. दिस इज ऑयल. सो द मोमेंट यू विल ऐड ऑयल इन द वाटर, क्या होगा, कैन यू सी, ऐसे ऑयल ना स्विम करेगा उसके ऊपर. क्या इसको स्विमिंग आती है, तभी ये स्विम कर रहा है, स्विमिंग आती होगी, ठीक है, नहीं, ये तो इसका रीजन नहीं है. तो
बेसिक प्रिंसिपल है इसके पीछे कि ऑयल आपका ऊपर फ्लोट कर रहा है एंड वाइल वाटर आपका रेस्ट नीचे है ऑयल के। ऐसा क्यों? बिकॉज इफ वी सी द प्रिंसिपल, फर्स्ट थिंग इज इमिसिबल। व्हाट आई मीन बाय दिस, अभी मैंने बताया कि ऑयल एंड वाटर मिक्स एक दूसरे से नहीं हो सकते। मिक्स हो जाते तो बात ही क्या थी, है ना? तो मिक्स नहीं हो सकते। तो अभी आपके पास जो डाउट आ रहा होगा कि मैम हमारा यू नो, अगर हमारे पास कोई भी बीकर है, कप है, ग्लास है, उसमें वाटर है, तो हमारे पास जो ऑयल हमने ऐड किया, फॉर एग्जांपल ये जो भी ऑयल हमने ऐड किया वो ऊपर क्यों है, हमारी नीचे क्यों नहीं आई? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द डेंसिटी। डेंसिटी में डिफरेंस आप में आ गया है, इसके वजह से आपका जो ऑयल है वो ऊपर ही होगा। अब बेसिकली वाटर की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, एंड ऑयल की डेंसिटी क्या है, कम है। अब ऑयल की जिसकी जिस मर्जी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होगी वो ऊपर स्विम करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक और लिक्विड ले लेते हैं, हनी। हनी है हमारे पास, इसकी डेंसिटी क्या है? ऑफ कोर्स देखो डेंसिटी का क्या मतलब, गाढ़ा, यू नो दिस लिटरल मीनिंग ऑफ डेंसिटी इज दिस। तो बेसिकली हनी जो है वाटर से कितना ज्यादा गाढ़ा होता है, राइट? सो इसकी डेंसिटी क्या होगी, ऑफ कोर्स वाटर से ज्यादा होगी। सो अगेन आप हनी ऐड करो वाटर के अंदर तो हनी नीचे आ जाएगा, बिल्कुल पानी के नीचे एक्युमुलेट हो जाएगा। आप ज्यादा मिक्स करोगे तो डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है? लेकिन ओवर हियर ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल, एक दूसरे से मिक्स नहीं होंगे, सेपरेट रहेंगे। एंड व्हाई ऑयल, आपको क्वेश्चन आ सकता है ये क्लास आपके पेपर में कि व्हाई ऑयल इज फ्लोटिंग ऑन वाटर, व्हाई इट इज नॉट मिक्सिंग विद द वाटर, व्हाई इट इज नॉट सेटलिंग डाउन। सो द रीजन बिहाइंड दिस, यू कैन राइट दिस प्रिंसिपल एवरीवन। सो यू कैन राइट दैट फर्स्ट पॉइंटर दैट दीज टू लिक्विड आर इमिसिबल टू ईच अदर। सेकेंड पॉइंटर इज the difference in the density, that oil has less density, oil ki jo density kam hai and water ki density zyada hai, that's why jis bhi object ki density kam hogi, whether it's oil, whether it's even a solid object ki bhi agar density kam hai na, for example agar main aapko sponge de dun, sponge hai, bahut sare pores hote hain iske andar, theek hai, to iski bhi density jo hai kam hoti hai वॉटर से, क्या होगा, फ्लोट करेगा। इट्स सॉलिड, स्पंज एक सॉलिड है, डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट कि सॉलिड होने के बावजूद ये फ्लोट कर रहा है। सेम विद दिस ऑयल, तो मेन थिंग इज डेंसिटी। डेंसिटी कम, फ्लोट करेगा, ज्यादा है नीचे जाएगा। तभी जो आपका स्टोन होता है, आपने लेक और सी में आप ऐसे यूजुअली यूज टू थ्रो, राइट, फेंका होगा कभी ना तो कभी, तो आपने देखा कि अरे आपने स्टोन डाला तो वो नीचे चला गया, क्यों चला गया, डेंसिटी ज्यादा है वॉटर से, नीचे चली गई है, ठीक है। ऑयल की डेंसिटी कम है तो दैट्स व्हाई इट इज फ्लोटिंग। सो इफ यू विल राइट कि ऑयल नो हाउ टू स्विम, देन टीचर विल जस्ट क्रॉस इट, ठीक है, नहीं वो उसको स्विमिंग नहीं आती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डेंसिटी एंड दीज टू वाटर, दीज टू लिक्विड्स आर इमिसिबल टू ईच अदर, दैट्स इट। इतना लिख के आओगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ओके नाउ क्लास, आई एम सेइंग दैट यू नो आई गिव वन क्वेश्चन, स्टार्टिंग में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि यू हैव वॉटर, यहाँ देखो कितने अच्छे से डिस्टिंग्विश हो रहा है, बिल्कुल पानी क्लियर है, नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ऑयल, एंड यहाँ पर नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वॉटर, पूरा ऑयल ही ऑयल है, ठीक है। सो इन दोनों को आप कैसे सेपरेट करोगे, हाउ यू विल सेपरेट इट? अब कुछ बच्चे तो क्या बोलेंगे कि मैम हम क्या करेंगे, फिजिकल प्रोसेस करेंगे, क्योंकि हम है मेहनती, हम करेंगे अपने हाथों का यूज और हम करेंगे सेपरेट। फिजिकल प्रोसेस का क्या मतलब, हमने पहले भी डिस्कस करा था। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, सैंड है और स्टोन उसके अंदर मैंने ऐड कर दिए, ठीक है, मिक्सचर तो है ही। तो आई आस्क यू टू सेपरेट ऑल द स्टोन, व्हाट यू विल डू, यू विल डू द हैंड पिकिंग ऑप्शन, फिजिकल प्रोसेस, आपने सारे स्टोन इकट्ठे साइड में कर दिए, मैम सेपरेट हो गए, सैंड अलग हो गए, स्टोन अलग हो गए, जो बड़े बड़े पेबल्स है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। ओके नाउ आई एम गिविंग यू अनदर ऑप्शन, हल्दीराम का जो हमने पैकेट के बारे में पढ़ा था। In that, I asked you to separate peanuts from all other mixtures. क्या किया था? Hand picking option, right? Physical process किया था? But again, जो बच्चे यहाँ पर ये बोलेंगे कि मैम हम physical process से कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, एक चम्मच डालेंगे और यहाँ से oil हम निकालते रहेंगे,
No, it won't, you won't be able to separate by physical process. फिजिकल प्रोसेस से ये हो ही नहीं पाएगा सेपरेट। थोड़ा सा ऑयल आप निकाल सकते हो, ठीक है, आपने ऊपर ऊपर का ऑयल निकाल दिया, व्हाट अबाउट दिस ऑयल, क्या आप ऑयल निकाल पाओगे? नहीं, पानी भी आ जाएगा। हाउ टू सेपरेट फुल ऑयल, नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, एंड पूरा पानी एक तरफ, नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ऑयल, हाउ टू डू इट? फिजिकल सेपरेशन ऑफ ऑयल लेयर इज ऑटोमेटिक, यस, फिजिकल सेपरेशन खुद ही ऑटोमेटिक हो गया, यू डिडंट डिड एनीथिंग, ऑयल अपने आप ही अलग हो गया बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन डेंसिटी, राइट? डेंसिटी में डिफरेंस आ गया, इसलिए फिजिकल डिफरेंस हो गया, ठीक है? नाउ बेसिकली ये व्हाई आई पुट द क्रॉस, बेसिकली यू नो द स्पून, स्पून जो अभी अगर हम बात करें कि हमने स्पून यूज करी और हमने उससे सेपरेट कर देंगे, तो देन दैट इज टोटली नो, यू कांट सेपरेट इट। तो हाउ डू वी सेपरेट द टू लिक्विड्स, कैसे हम सेपरेट करेंगे दो लिक्विड्स को? तो सी ओवर हियर, हम यूज करेंगे एक ना इक्विपमेंट आता है आपकी केमिस्ट्री में, हम उसे यूज करेंगे, दैट इज नोन एज सेपरेटरी, यू नो सेपरेटिंग फनल आप बोल सकते हो, सेपरेटरी यहाँ पे लिखा हुआ है, सेपरेटरी फनल, आप सेपरेटिंग फनल भी बोल सकते हो। सो वी विल यूज दिस फनल एंड वी विल सेपरेट टू लिक्विड्स। अभी ये एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है क्लास, आपके घर में ये अवेलेबल नहीं होगा, आप इसको क्या कर सकते हो, आप अपने घर में भी बना सकते हो, कैसे कर सकते हो, लेकिन उससे पहले, बनाने से पहले हम इस वाले यू नो पूरे चीज को पढ़ेंगे, ये जो पूरा फनल है हर एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ऑफ कोर्स ये बात है, अगर आपके पास नई चीज भी आई है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पेंसिल बॉक्स आया है, व्हाट यू विल बी डूइंग? पेंसिल बॉक्स बहुत ही अमेजिंग आते हैं ना आजकल, तो कुछ बटन क्लिक करो कुछ निकल के आ रहा है। सो अगर आपके पास ऐसा कोई पेंसिल बॉक्स है, यू विल फुल लुक इट, राइट, पूरा ऊपर नीचे देखोगे, खोलोगे, ये करोगे, यू विल सी ईच एंड एवरीथिंग। सो फॉर एग्जाम्पल ओवर हियर ऑल्सो, अगर हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, हम क्या करेंगे, पूरा उसको अच्छे से देखेंगे एंड देन वी विल बी एबल टू यूज इट। हाँ, तो दिस इज सेपरेटिंग फन, ऐसा दिखता है आपके पास सेपरेटिंग फनल। व्हाई फनल? बिकॉज इसका फनल ऐसा ही है, हमने फिल्टर पेपर को भी ऐसे ही बनाया था, फिल्टर पेपर का भी फनल शेप बनाया था, सो दिस इज फनल, सी ओवर हियर फनल, है ना? सो दैट्स व्हाई इट्स फनल, सेपरेटरी फनल, सेपरेट करने में काम आता है, एंड दिस इज अ फनल शेप, तो सेपरेटरी फनल। ओके, सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज दिस थिंग, ये जो फनल है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉनिकल इधर पियर शेप ग्लास बॉडी, पियर शेप ग्लास बॉडी इधर कॉनिकल, ये जो पूरा पार्ट है, ठीक है, इसके अंदर आपका क्या आएगा, लिक्विड आएगा, जो भी आपको सेपरेट करना है। अभी तो हमें वाटर और ऑयल को सेपरेट करना है, सो वी विल ऐड दैट लिक्विड, दैट मिक्सचर इनटू दिस कॉनिकल, इधर द पियर शेप ग्लास बॉडी, ठीक है? ऐसा नहीं बोलेंगे अरे इसके अंदर डालो ना, इसके क्या है इसके अंदर, पियर शेप्ड इधर, पियर शेप्ड इधर कॉनिकल, ठीक है, ग्लास बॉडी में वी विल बी एडिंग द लिक्विड द मिक्सचर, ठीक है? सो बेसिकली व्हाई आई एम टेलिंग दिस ऑल द पार्ट्स, व्हेन यू विल बी राइटिंग आंसर्स ना, सो तब आपको टेक्निकल ये सारे वर्ड्स यूज करने हैं, आपको ऐसा नहीं लिखना हम उसको एक बड़े से डब्बे में डाल देंगे, नो, राइट दीज वर्ड्स, कॉनिकल एंड अ पियर शेप्ड ग्लास बॉडी, इसमें आपने मिक्सचर ऐड करते हैं, हम जैसे ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर है, टू लिक्विड्स, सो वी विल ऐड इन दिस। ओके, क्लीन सेपरेशन ऑफ द टू लेयर्स, इस प्रोसेस से ना बहुत क्लीन, अभी मैंने चम्मच से बताया था बाय यूजिंग स्पून हम क्या करेंगे सेपरेट करेंगे, लेकिन वो क्लीन सेपरेशन नहीं होगा, लेकिन जस्ट बाय यूजिंग दिस फनल बहुत ही क्लीनली आप सेपरेट कर लोगे, एक नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ऑयल एंड वाटर विल बी देयर इधर इन द ऑयल और इन द वाटर, ठीक है? वाटर के अंदर ऑयल का एक ड्रॉप नहीं होगा, एक भी ड्रॉप नहीं होगा, एंड ऑयल के अंदर वाटर का ड्रॉप नहीं होगा, देखो कैसे। नाउ अदर देन दिस टाइप, this part we have another part, what it is, we have this, इसे क्या कहते हैं, stopper, stopper, ठीक है? आपने जो लिक्विड डाला है इसके ऊपर आप यू विल पुट समथिंग, राइट? आपने कभी वाइन की बॉटल देखी होगी, उस वाइन की बॉटल, वाइन की बॉटल कुछ ऐसी ही होती है, ठीक है, ठीक है, कुछ ऐसी ही होती है वाइन की बॉटल, तो इसके ऊपर भी स्टॉपर लगता है, ठीक है? सो वो स्टॉपर क्यों, कि लिक्विड बाहर नहीं आ जाए। सो अगेन
Why we put stopper over here? If you have liquid in this, so ये stopper अगर by chance ये अगर गिर भी जाता है, मतलब आयल का ऐसा tilt भी हो जाता है, गिर जाएगा तो टूट जाएगा, कांच का होता है, ठीक है, tilt भी हो जाता है तो liquid बाहर नहीं आएगा. That's why you have a stopper. Okay, दो part हम already discuss कर चुके हैं. Now act as very tight seal to avoid any spill if the funnel is inverted. अगर बहुत टाइट से अगर हमने इसको सील कर दिया है, सो ये स्पिल स्पिल होता है कुछ, यू नो गिर जाता है स्पिल, यू नो अगर इसका अंदर का लिक्विड है तो ये अवॉइड करेगा स्पिल करने से. अगर फनल इन्वर्टेड, हल्का सा अगर ऐसे है, अगर फनल ऐसे हो गया, इधर थोड़ा सा ऐसे हो गया तो गिर जाएगा, है ना. लेकिन अगर ये स्टॉपर है, इसके वजह से ये कैसा एक्ट कर रहा है, एज अ सील एक्ट कर रहा है, कि आपने सील लगा दिया है, जब तक ये स्टॉपर हटेगा नहीं तब तक इसके अंदर का जो लिक्विड है वो बाहर नहीं आएगा, इसका एक्टिंग एज अ सील. ओके, ऐसा नहीं है ना, अभी क्लास हमने दो पार्ट्स पढ़ लिए, ऐसा नहीं है बेमतलब के पार्ट्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. दीज अगर यही पार्ट नहीं होता, ये पियर शेप और कॉनिकल शेप यही नहीं होता, आप लिक्विड का ऐड करते, स्टॉपर नहीं होता तो आपका स्पिल हो जाता है ना. ओके, अदर देन दैट वी हैव अनदर पार्ट दैट इज नोन एज दिस. कैन यू सी दिस? यू हैव समथिंग टू डू विद, राइट. ये आप देखो यहाँ पर कुछ है, ब्लू ब्लू कलर का है, दिस इज अ स्टॉप कॉक. क्या मतलब? बेसिकली आपके पास यहाँ पर लिक्विड है एंड ये आप टर्न करते हो, इसको आप टर्न करते हो तो क्या होता है, ये आपका चैनल ना ओपन हो जाता है, तो ये जो लिक्विड है ये आपका नीचे आने लग जाता है, पानी यहाँ से आपका आएगा आएगा. द मोमेंट यू विल टर्न इट अगेन, आपने राइट टर्न किया तो ये ओपन हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल आपने राइट टर्न किया, पानी ये आपका चैनल ओपन हो गया और आपका लिक्विड नीचे आने लग गया. नाउ यू आर थिंकिंग कि अभी तो क्लोज करना है, तो यू विल टर्न इट लेफ्ट और आपका चैनल क्लोज हो जाएगा, तो आधा लिक्विड ऊपर रह जाएगा आधा नीचे रह जाएगा. हल्का सा आइडिया आपको पता चल गया होगा अभी जस्ट बाय दिस पार्ट कि यस हम कैसे सेपरेट करने वाले हैं एक वाटर को एंड ऑयल को, हम कैसे सेपरेट करने वाले हैं. सो क्लास हाउ वी विल सेपरेट इट, एयर टाइट ट्रैप, दिस इज एयर टाइट ट्रैप स्टॉप कॉक, बिल्कुल एक भी एयर नहीं आएगी इसके अंदर. ऐसा नहीं आपने ये चैनल ओपन कर दिया तो एयर आ गई है, ठीक है, इट्स नॉट लाइक दिस. सो हाउ यू नो हाउ इट विल एक्ट लाइक एयर लाइक ट्रैप. सो बेसिकली दे ओके आई ऑलरेडी इन्फॉर्म मी, ये जो स्टॉप कॉक है आप इसको घुमाओगे चैनल ओपन होगा, लिक्विड नीचे आएगा. द मोमेंट यू विल टर्न इट अपोजिट वे, राइट में किया था आप लेफ्ट में आप करोगे तो चैनल वापस से क्लोज हो जाएगा एंड आपका लिक्विड जो ऊपर रहेगा वो ऊपर ही रह जाएगा एंड नीचे जो आपने भेजा था वो नीचे आ गया बीकर के अंदर, ठीक है. ओके, सो नाउ वी विल बी सीइंग सम एक्सपेरिमेंट्स कि कैसे सेपरेटिंग फनल हम इसको कैसे यूज कर रहे हैं. सो क्लास वी विल सी दिस, क्या हो रहा है अभी इस दिस पिक्चर, वी एडेड ऑयल एंड वी एडेड वाटर एंड सी वी एडेड ऑयल, नाउ दिस वी यू नो ऑयल वी एडेड एंड दिस इज अ वाटर वी एडेड इट एंड नाउ वी आर मिक्सिंग इट. बहुत अच्छे से हमने इसको हिला के इसको कर दिया मिक्स. मिक्स करने के बाद वॉट वी विल डू, वी विल वेट बिकॉज इमिसिबल है, ऑयल ऊपर रह जाएगा लिक्विड नीचे रहेगा. हमने बीकर एड करा नीचे, ये जो स्टॉप कॉक थी हमने क्या किया उसको ओपन किया, ठीक है. सो व्हाट विल हैपन जब ओपन करेंगे, सो सारा वाटर जो है यहां तक पानी आने देंगे, सारा वाटर क्या हो जाएगा नीचे बीकर में चला जाएगा. ऑयल जैसे ही ऑयल यहां पर आएगा आप इसको बंद कर दो, स्टॉप कॉक को कर दिया बंद, तो क्या होगा आपका ऑयल रह गया ऊपर एंड वाटर रह गया आपका नीचे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहां पर बताऊं इन दिस, ओके फॉर एग्जाम्पल Over here, you have this much liquid, right? Or in this also, you have this much oil. यहाँ तक आपका क्या है? Oil है. And rest, you have water. ठीक है? इतने में नीचे नीचे पूरा जो part है, इतने में सब में क्या है? Water है. Okay. Now this is water. अब I have this main thing that is stopcock. What I will do? मैं इसको rotate करूँगी. अब मैंने जब इसको रोटेट किया क्या होगा, मैंने इसका क्या किया चैनल किया ओपन, ठीक है. आई जस्ट ओपन दिस चैनल और यहाँ पर सारा पानी आने लग जाएगा. आई हैव अ बीकर, मेरा सारा पानी क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा. तो व्हाट विल हैपन, मैंने अभी तक ओपन कर रखा है, व्हाट विल हैपन, पानी थोड़ा सा डिक्रीज होता जाएगा, पानी आ गया सारा नीचे एंड
व्हाट विल हैपन टू ऑयल ऑल्सो, क्या होगा ऑयल को, ऑयल आपका यहाँ पर एक्युमुलेट हो जाएगा। ऑयल जैसे ही आपका यहाँ पर आया, इसको चैनल को कर दो बंद, वापस घुमा दो फटाफट से, चैनल को कर दो क्लोज, ऑयल रह गया ऊपर एंड आपका वाटर रह गया नीचे, बीकर में आ गया सारा वाटर, ऑयल रह गया आपका ऊपर। सो यस वी आर एबल टू सेपरेट इट एंड यस क्लास, इसी प्रोसेस से ये जो सेपरेटिंग फनल जो प्रोसेस है, सेपरेटिंग फनल को यूज करके अगर हम ये प्रोसेस यूज करें तो बेसिकली इट्स वेरी अ क्लीन प्रोसेस। आपको एक भी ड्रॉप नहीं मिलेगी इस वाटर के अंदर, ऐसा नहीं है इस वाटर के अंदर आपको एक ऑयल की ड्रॉप मिल रही है, नो आपको, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये जो स्टॉप कॉक है इसको आपको टाइमली क्लोज करनी है, ऐसा नहीं है कि पानी खत्म हो गया और आपका पानी चला जा रहा है एंड देन यू आर मूविंग मूविंग, आपका ऑयल भी चला जाएगा। आपको बहुत ही थोड़ा सा खोलोगे ना पानी आ रहा है आ रहा है आ रहा है, आपको लग रहा है कि पानी ओवर हो गया है, नाउ इट्स द टर्न ऑफ ऑयल टू गो आउट फ्रॉम द आउटलेट, उसको वापस से बंद कर दो, ऑयल रह गया ऊपर पानी रह गया नीचे, सेपरेट हो गया, ठीक है। सो बाय दिस व्हाट यू कैन राइट इन एन एग्जाम, यू नो यू कैन ड्रॉ दिस पिक्चर, ये पिक्चर इज वेरी इजी टू मेक, ठीक है। प्योर शेप ऐसे बनाना, ऊपर स्टॉपर बनाना, नीचे स्टॉप कॉक एंड देयर इज अ नीचे ट्यूब, ठीक है, दिस इज अ सेपरेटिंग फनल एंड देन यू कैन नेम द टाइप्स। आप यहाँ पर टाइप्स भी लिख सकते हो, दिस कॉनिकल, कॉनिकल इज अ प्योर शेप ग्लास बॉडी एंड देन यू कैन राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस, दैट क्लीन सेपरेशन प्रोवाइड करता है आपका ये पार्ट एंड अदर देन दैट यू कैन यू नो मेंशन दिस थिंग दैट सेकेंड पार्ट इज स्टॉपर, स्टॉपर इज द सेकेंड पॉइंट एंड व्हाट्स द रोल ऑफ स्टॉपर, दैट इट एक्ट एज अ टाइट सील, सील की तरह काम आता है। अगर ये जो है आपका फुल सेपरेटिंग फनल हल्का सा इन्वर्ट हो जाता है, इन्वर्टेड मतलब थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, तब भी ये गिरने नहीं देता है। ओके देन यू कैन राइट अनदर टाई, अनदर पार्ट ऑफ दिस यू नो सेपरेटिंग फनल, दैट इज स्टॉप कॉक। बेसिकली दिस इज द मेजर पार्ट, यहीं से आप सारा फंक्शन करोगे एंड दिस इज एन एयर टाइट ट्रैप, ऐसा नहीं है ओपन किया तो एयर चली गई है अंदर, नो दिस इज अ एयर टाइट ट्रैप एंड देन यू ऑल गॉट टू नो द प्रोसेस कि हमने कैसे सेपरेटिंग फनल को यूज करा है, एक फनल को उसको कैसे हमने स्टॉप कॉक को यूज किया है, पानी नीचे आ गया है फटाफट बंद कर दो, ऑयल ऊपर रह जाएगा पानी नीचे चला जाएगा, ऊपर रह गया क्योंकि ऑयल की डेंसिटी है कम तो ऑयल क्या करेगा फ्लोट करता है एंड वॉटर नीचे ही रहेगा, तो वॉटर पहले जाएगा एंड ऑयल ऊपर रहेगा, ठीक है। ऐसे हम सॉयल और वॉटर को नहीं कर सकते। अगर मैं आपको बोलूं कि वी हैव सॉयल, मान लो यहाँ पर आपके पास क्या थी सॉयल है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम ऐड करते हैं सॉयल है हमारे पास और हमारे पास ऊपर क्या है वॉटर, लेकिन हम इसी ही स्टॉप कॉक से ये नहीं कर सकते बिकॉज ये जो सॉयल है ऐसा तो नहीं है सिर्फ सॉयल होगी, इसमें कुछ वाटर भी मिक्स होगा, है ना, और ऐसा नहीं है कि सॉयल आपका नीचे ही रहेगी, सॉयल आपकी ऊपर भी होगी कुछ नीचे भी होगी। सो दैट्स व्हाई वी वॉन्ट बी यूजिंग टू सेपरेट सॉयल एंड वाटर बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल, हम ऑयल एंड वाटर को यूज करेंगे, यू नो सेपरेटिंग फनल यूज करेंगे फॉर सेपरेटिंग एन ऑयल एंड वाटर विच आर इमिसिबल, ठीक है, और डेंसिटी में डिफरेंस है ऑयल, दैट्स व्हाई ऑयल इज फ्लोटिंग, ठीक है। सो क्लास अब आपको अगर एग्जाम में आ जाए हाउ इट वर्क्स, ये पूरे पॉइंटर्स मैंने लिखे हुए हैं फॉर योर बेटरमेंट, आप ये नोट डाउन कर सकते हो। बेसिकली पोर द मिक्सचर इन सेपरेटिंग फनल, मिक्सचर एज इन ऑयल प्लस वाटर, दिस इज मिक्सचर, ठीक है। सो आपने क्या किया, वो जो ऐसा पियर शेप था ना, जो आपके पास ऐसा पियर शेप था कॉनिकल शेप था, उसके अंदर सेपरेटिंग फनल के अंदर आपने ऑयल एंड वाटर को पोर कर दिया, ऐड कर दिया, डन, फर्स्ट पॉइंट है क्लियर। नाउ द लिक्विड विद द लोअर डेंसिटी फ्लोट्स ऑन द टॉप, जिसकी लोअर डेंसिटी है, ये हमने अभी पढ़ा है क्लास, ऑयल की कम डेंसिटी है, वाटर से कंपेयर करें ऑयल की डेंसिटी है कम, तो क्या होगा ऑयल हो जाएगा ऊपर बिकॉज उसकी डेंसिटी है कम, सो ऑयल ऊपर एंड रेस्ट नीचे रहेगा हमारा वाटर, सो द लिक्विड विद लोअर डेंसिटी फ्लोट्स ऑन द टॉप, ठीक है। नाउ ओपन द टैप ऑफ स्टॉप कॉक, स्टॉप कॉक देखा था ब्लू कलर का, ओपन द टैप एंड द लिक्विड विद हायर डेंसिटी, हायर डेंसिटी वाटर की ज्यादा डेंसिटी थी, सो ऑफकोर्स वाटर नीचे रहेगा ऑयल से, सो लिक्विड विद हायर डेंसिटी स्टार्ट्स टू फ्लो थ्रू द सेपरेटिंग फनल इन टू द कंटेनर,
इसके यहाँ पर स्टॉप कॉक है, नीचे हमारे पास ट्यूब एंड नीचे वी हैव अनदर बीकर, ठीक है। सो हमने इसको ओपन किया टैप को, वॉटर द वॉटर हैज हायर डेंसिटी, सो पानी नीचे जाएगा, यहाँ पर बीकर में एकोमुलेट हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा इनटू अनदर कंटेनर। टैप इज देन क्लोज्ड, आई यू हैव टू क्लोज, ऑटोमेटिकली क्लोज नहीं होगा, यू हैव टू क्लोज। टैप इज देन क्लोज जस्ट बिफोर द लिक्विड विद द लोअर डेंसिटी स्टार्ट्स टू फ्लो थ्रू। जैसे ही आपका ऑयल यहाँ पर आ जाए, जो ऑयल का लोअर डेंसिटी है, ओके, नाउ यू आर थिंकिंग कि अब मोमेंट आ गया है कि लोअर डेंसिटी वाला जो लिक्विड है दैट इज ऑयल, ये फ्लो कर जाएगा। बंद कर दो फटाफट, टैप को कर दो क्लोज, ठीक है। द लिक्विड विद लोअर डेंसिटी रिमेनिंग इन द सेपरेटिंग फनल, वो सेपरेटिंग फनल में रह जाएगा ऑयल, लोअर डेंसिटी वाला लिक्विड, ड्रेन इनटू द डिफरेंट कंटेनर। हमने इसके अंदर तो ही रहने देंगे, व्हाट वी कैन डू, वाटर आपके पास एक बीकर ए में आ गया, सो वी विल बी पुटिंग अनदर, वी विल बी यूजिंग अनदर बीकर। फॉर एग्जाम्पल वी हैव बीकर बी, सो वी इन द बीकर बी वी विल बी पुटिंग द ऑयल, सो नाउ इन ए वी हैव वाटर, इन बी वी हैव ऑयल, ठीक है। सो ड्रेन इन टू डिफरेंट कंटेनर टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स, ऑयल एंड वाटर, टू इमिसिबल लिक्विड, कंसेंट्रेशन ऑफ और सेपरेशन गैंग फ्रॉम और, सो बेसिकली दिस यू नो दिस इज द प्रोसेस ऑफ दैट हाउ द सेपरेटिंग फनल वर्क। इट्स वेरी इजी, राइट, बहुत इजी है, कुछ रट्टा नहीं लगाने की जरूरत है, बहुत इजी है, बस आपको एक सेपरेटिंग फनल लेना है और आपको वो स्टॉप कॉक को यूज करना है, ओके। तो क्लास अभी तो यू नो एवरी थिंग इज गोइंग ऑन ऑनलाइन, जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी आप स्कूल में ना ट्राई करना, ठीक है, यू इजीली आपको ये क्लास में मिल जाएगा, आपको लेबोरेटरी में मिल जाएगा ऐसा सेपरेटिंग फनल, ट्राई टू यूज इट। कि आपके पास ऑयल एंड वाटर है, आप इसको कर, अगर आप ना टैप ओपन कर रहे हो, क्या सेपरेट कर पा रहे हो, क्या नहीं कर पा रहे हो, यू नो डेफिनेटली कर पा रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं होगा नहीं कर पा रहे, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू इट, ठीक है क्लास। एंड क्लास दिस इज द ऑल अबाउट दिस सेशन, इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट पर्टेनिंग टू दिस सेशन, इसी सेशन के रिलेटेड कोई भी डाउट है, इधर नॉट ओनली दिस सेशन, पहले हमने जितना भी पढ़ा है चैप्टर यू नो टू में, जितने भी प्रोसेस के बारे में बात करा है, यू कैन कमेंट, कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर ऑल ऑफ यू, यू कैन राइट ओवर देयर। ऐसा मत सोचना कि बहुत ये तो माइनर डाउट है, मैं यू नो कैसा क्या लगेगा, नो, वी यू हैव टू आस्क, योर रोल इज टू आस्क एंड आई विल बी क्लियरिंग योर डाउट इन द चैट बॉक्स इटसेल्फ, ठीक है। एंड इफ आई फील लाइक टू डिस्कस इन द क्लास, सो डेफिनेटली वी विल हैव अ डिस्कशन यू नो इन द नेक्स्ट क्लास, इफ आई गेट सम डाउट यू नो इफ एंड आई फील कि ये तो बात ना करनी जरूरी है, सो मैं उसको क्लास में भी फोकस कर सकते हैं हम उसके बारे में। क्लास इफ यू रियली लाइक दिस सेशन प्लीज लाइक इट and share it, the more you will share it you are basically helping other students also to clear their basic points, ki aapke ye jo separating funnels hai school mein bana aise bata dete hain, not even school, even you know kabhi kabhi agar hum ncrt se bhi padhte hain to it's written over there also, but it's very hard to understand without doing it, so abhi karke dekho tab aapko zyada acche se samajh aayega, so help others by sharing this video एंड सब्सक्राइब इट, क्योंकि आई डोंट वॉन्ट कि अगर मेरी न्यू क्लास आ रही है, कभी भी आ रही है, 5 o'clock यूजली आती है क्लास अपार चैनल पे, लेकिन अगर कभी और किसी टाइम आ रही है सो आपकी कोई क्लास मिस आउट नहीं होना चाहिए, राइट। सो इफ यू विल सब्सक्राइब इट तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम एंड देन आपकी कोई क्लासेस मिस नहीं होंगे। एंड क्लास डोंट फोरगेट, अगर आपको अपना स्टडी फोकस एरिया बढ़ाना है यू हैव टू टेक द सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको अनअकैडमी लर्नर्स ऐप डाउनलोड करना है, दैट इज इजिली अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर ऐप। आप ये कोड यूज कर सकते हो RAY10, ये ऑफर चल रहा है अभी, 10% ऑफ चल रहा है, अगर आप ये कोड यूज करते हो सब्सक्रिप्शन पिच आपको दिख जाएगी क्लास 9, 10, 11, 12 की, यूज दिस कोड, 10% ऑफ आपको मिलेगा पक्का से, ठीक है। सो यूज करो एंड वहां पर आपको टॉप एजुकेटर्स ऑफ अन अकेडमी विल क्लियर योर डाउट, विल हेल्प यू, विल गाइड यू, ठीक है। सो गो एंड आप यू नो द मोमेंट यू विल टेक सब्सक्रिप्शन, सो बेसिकली यू टुक स्टेप फ्रॉम गोइंग यहां से यहां जाने के लिए आपने ऑलरेडी एक स्टेप ले चुका है। सो फॉर द टाइमिंग क्लास यू कैन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गुड बाय एंड यू नो क्लास वी विल सी यू टुमोरो। Bye bye and let's crack it.